भाई मैं तो भूल ही गया था कि संडे हमारा मैच है, बैट रखी है। वो सब देख लेंगे। संभल कर जाओ, गिर जाओगे। आओ जमुना बहन, क्या बात है, क्या हुआ बताओ ना। डॉक्टर ने चेकअप के लिए बुलाया है ना, आने में थोड़ा लेट हो सकता है, इसलिए सोचा आपको बताकर जाऊं। बुखार ज्यादा है क्या? शरीर बहुत दर्द कर रहा है। ठीक है रुको, मैं भी आती हूँ। जमुना बहन क्यों कर रही हो ये सब, तुम छोड़ो मैं कर लूंगी, ये लो। अब जाओ, 2 बजे तक आ जाओगी ना। हाँ। संभल कर जाओ। रोहित जल्दी निकलना यार, देर हो रही है। रोहित ये बॉल ले जाकर अंदर रखो। चल चल। इंग्लिश मिस ने कल तुम्हें बाहर क्यों खड़ा किया था? माँ मैंने कुछ नहीं किया था, वो मैडम ही हमेशा मुझे बाहर खड़ा कर देती हैं। चाहो तो आप खुद पूछ सकती हो। वरुण तुम रोहित को लेकर जाओ, मैं बैंक होकर आती हूँ। चलो दूध खत्म करो जल्दी जल्दी करना। बाय बाय माँ। बाय माँ। पढ़ता तो अच्छा है, पर आपको घर में भी थोड़ा पढ़ाना होगा, तब जाकर अच्छे मार्क्स आएंगे ना। ठीक है मैम। इस पर साइन कर दीजिए। मैम अश्विन डेली क्लास में लेट आता है, मैं कई बार बोल चुकी हूँ, आज भी लेट ही आया है, आप ही कुछ बोलिए ना। सॉरी मैडम, अब से टाइम पर लाया करूंगा। रात को कितने बजे सोते हो? ये ट्यूशन खत्म करके डांस क्लास ड्रम्स क्लास दोनों जाता है, सो घर आने में 10:30 हो जाता है, इसलिए सोने में लेट हो जाता है। यही तो प्रॉब्लम है। यहाँ आओ बेटा, आओ आओ। मुझे ये बताओ तुम्हें ड्रम्स पसंद है या फिर डांस, सच बताना। हाँ मुझे डांस पसंद है, ड्रम्स नहीं, लेकिन मम्मी कहती है जाओ। ठीक है ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट, जाओ। देखा आपने, बच्चा है सर, अच्छी तरह से खेल कूद कर खाना खा ले, वही बहुत है। हर चीज सिखानी जरूरी है क्या बच्चों को? अपने ड्रीम्स बच्चों पर मत थोपिए, उसे क्या पसंद है वो पूछिए उससे, और पेरेंट्स की तरह बस हेल्प कीजिए। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं सर, हमारी तरह नहीं है, उन्हें फ्री छोड़ दीजिए, फ्यूचर अच्छा रहेगा। ठीक है मैम। अश्विन फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कल कितने बजे आना है तो मैं खुद लेकर आऊंगा। कल सुबह 8:30 बजे तक लेकर आ जाइएगा इसे। By the way, कौन सा गेटअप ले रहे हो तुम? लड़कियों की तरह ड्रेस पहनकर कॉमेडी जैसा डांस कराने का प्लान है मैम। आपका आइडिया है ना? ये लड़का है सर, तो क्यों इसे लड़कियों का गेटअप दे रहे हैं आप? लगता है आप खुद अपने बच्चे को जोकर बना देंगे। नहीं मैम, वो लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर आएगा तो सब हंसेंगे ना, इस पर अच्छा लगेगा क्या? तो फिर मैं गेटअप बदल देता हूँ मैम। गुड, आर्मी मैन या बॉक्सर जैसा कुछ अच्छा गेटअप दीजिए इसे। तुम्हें क्या पसंद है बेटा? बॉक्सर। बॉक्सर ठीक है ना? ओके मैम,
थैंक यू मैम, चलता हूँ मैम। बाय। दिन भर समंदर के किनारे खेलने से ऐसा ही होता है, बीच बीच में आइसक्रीम भी खाते हो। बुखार चढ़ गया तो क्या होगा? हाँ, मेरी बात भी कहाँ मानते हो तुम? दोबारा खांसी आए तो टॉनिक पी लेना, ठीक है ना? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे माँ, आ, ना, एक मिनट, खुद ही पता चल जाएगा। चलिए संभल कर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मॉम, हैप्पी बर्थडे टू यू। अबे मैंने कहा था ना, प्यार प्यार करके घूम रहे थे, अब देखना। ये लो। ए, बैग संभाला। इसे पकड़ो, इसे भी रख लो। ए, 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 रुक, रुक, अरे प्लीज यार, रुक रुक, क्या रुक कर रहे हो? ए, क्या कर रहे हो? अरे रुक ना।
बाद में बात करता हूँ तुझसे, माँ पूछे तो कुछ भी कह के संभाल लेना। हाँ हेलो, ओके डॉक्टर, ओके फाइन। मिस्टर वरुण, साथ में कोई आया है क्या? नहीं डॉक्टर, कोई नहीं आया। ओके कहिए वरुण। मुझसे आप अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं। आपके यहाँ आने की बात आपके फैमिली मेंबर्स को कोई नहीं बताएगा। अपनी प्रॉब्लम खुलकर बता सकते हैं। कुछ दिनों से मेरे अंदर क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा डॉक्टर। मुझे बार बार एक ही तरह के विजुअल थॉट्स आ रहे हैं, वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। माइंड बहुत ही डिप्रेस्ड है डॉक्टर, किसी से इस बारे में बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी फैमिली को, फ्रेंड्स को अगर इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे, यही सोच के डर लग रहा है। उन लोगों को कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई एम सो कंफ्यूज्ड डॉक्टर। आई डोंट थिंक आई एम अ नॉर्मल गाय। किस तरह की बातें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, थोड़ा खुलकर एक्सप्लेन करेंगे? मैं बताता हूँ डॉक्टर, लेकिन आप किसी को बताइएगा मत प्लीज। नहीं बताऊंगा, यू कैन ट्रस्ट मी। आप बेझिझक होकर बताइए। पहले आपको गे का मतलब समझाना होगा। LGBT नाम के टर्म के बारे में सुना है क्या? LGBT जो है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। जो लेस्बियन होते हैं उनमें एक औरत को दूसरी औरत का आकर्षण होता है। जो गे होते हैं उनमें मर्द को मर्द से ही आकर्षण होता है। बाइसेक्सुअल को औरत पर भी आकर्षण रहता है और मर्द पर भी रहता है। और जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो मर्द होते हुए औरत बनना चाहते हैं, औरत होते हुए मर्द बनना चाहते हैं। ऐसे कई तादाद के लोग हैं। बट ये सब बातें बहुत ही कॉमन और बहुत ही नॉर्मल सी बात है। ये प्रकृति के विपरीत या फिर इसे कोई मेंटल डिसऑर्डर कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ मैं नहीं कहता, दुनिया में फार्मेसी से जुड़े कई लोग यही कहते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में ही इसको लेकर ठीक से अवेयरनेस नहीं है। यहाँ एक मर्द औरत से ज्यादा दूर क्या रहे, एक औरत मर्द से ज्यादा दूर क्या रहे, तुरंत उसे ट्रांसजेंडर बोलने लगते हैं। ट्रांसजेंडर जो हैं वो अलग हैं, गे अलग हैं, लेस्बियन भी अलग हैं। ये सब बेसिक सी बात कई लोगों को नहीं पता है। आपने भी इसके बारे में इंटरनेट में देखा होगा, बताया था ना, बट उसमें भी जो बातें हैं वो एकदम ठीक होंगी ये हम नहीं कह सकते। सो ये सब सोचकर खुद को कन्फ्यूज मत करो। सच में अगर कहो तो पढ़ लिख कर इस साइकेट्रिक प्रोफेशन में आने पर भी कुछ लोगों को इस LGBT के बारे में जानकारी होगी ये भी मुझे नहीं पता। काउंसलिंग के लिए आने वाले लोगों को दवा देकर सुधार देंगे, शॉक ट्रीटमेंट देकर इंसान ही बदल सकते हैं। ऐसी गलत बातें करने वाले लोग भी हैं यहाँ। हमारे देश के LGBT कम्युनिटी के बारे में सोचते हुए दुख होता है।
ये समाज कानून जिस दिन इन्हें एक सामान्य इंसान के रूप में स्वीकार करेंगे उसी दिन उनकी आधी से ज्यादा परेशानी दूर हो जाएगी। सो यहां सिर्फ आप ही नहीं हैं, कई ऐसे लोग हैं यहां, इसलिए इतना सोचकर खुद को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके वरुण, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। लेट क्यों हो गए? लाइब्रेरी गया था माँ, आते वक्त ट्रैफिक बहुत था इसलिए लेट हो गया। आओ। वरुण, किसी का गे होना उसकी गलती या उसका कोई पाप नहीं है। पहले तुम्हें यह समझना होगा। जब तुम इसे ठीक से समझ पाओगे तभी तुम्हारी परेशानी दूर होगी। अब तुम्हें किसी से किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। तुम कभी भी यहां आ सकते हो, मुझसे मिल सकते हो। श्योर डॉक्टर। गुड वरुण, मैं तुम्हें एक LGBT सपोर्ट ग्रुप के लिए रेफर करता हूँ। किसी भी तरह की हेल्प या काउंसलिंग चाहिए तो तुम उन्हें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। दे आर वेरी गुड एंड कॉन्फिडेंशियल। वहां बहुत नामी काउंसलर्स हैं। फील फ्री टू गो देयर। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आई एम फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ। थैंक गॉड मैं आपसे आकर मिला। यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल वरुण, नथिंग इज रॉन्ग विद यू। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय। So you will be standing over there. Excuse me. Yeah. I'm Varun. I'm supposed to meet Karthik. Okay, I'll see you later. Yeah, okay, I'll come in bye. 5 minutes. Hi, I'm Karthik. Oh, this is great. Nice. How can I help you here? Hey, hi. Sorry. Can I meet you after the event? Yeah, yeah. No. Why don't you just sit here? Yeah. All right. Okay. Please come. What a wonderful evening! Wow! Come on. To a person, a very important person. He has been a support, a big support in all of our events, a very active volunteer, and we are so proud of him. A young, talented, and a beautiful person. Let's have Karthik on stage, please.
थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच इट्स अ ग्रेट इवनिंग such a lovely feeling to stay before you मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यहां से मुझे बहुत कुछ मिला है इट्स अ वंडरफुल जर्नी अगर मेहनत करूं तो सब कुछ हो सकता है और मुझे विश्वास है हार्ड वर्किंग पर अपने दिल पर मैं कहना चाहूंगा कि जहां चाह है वहां रहा है All right, butterflies, it's time to fly. We have a prime week next week. Please do join us for further details. Please call our helpline number. Thank you for your time. Keep calm and be proud. Thank you all. Varun, right? Yeah. Sorry, तब बात नहीं कर पाया. It's okay. बता सकते हो किसने आपको रेफर किया? डॉक्टर राम के पास काउंसलिंग के लिए गया था. उन्होंने ही आपका कार्ड दिया था. और इस इवेंट के बारे में भी उन्होंने बताया. तो पापा ने रेफर किया था. ओके. पापा? Yeah. डॉक्टर राम is my dad. Really? Yeah. I just can't believe this. Why is that? पापा, you know, he's always my huge support. He's been a backbone of all events. It's great. Okay. So this is your first time, right? Hmm. Event कैसा लगा? It was really inspiring. अब मैं पहले से बहुत खुश हूँ. अच्छा. मैं ही हूँ ऐसा सोचकर मैं बहुत depressed था. लेकिन अब बाकी लोगों को देखकर It's a great feeling. Nice. और हाँ, you are such an inspiration. क्या बोलते हो आप? सबकी आंखें आप पर ही थीं. No. That's really sweet of you. But thank you. By the way, ये आप कहना छोड़ो. You know, you just call me Karthik. No formalities. Yeah. Okay. You too realize that we are all here to support you. You're not alone. Yeah. कैसे आए हो? Bus या bike से? Auto. Auto? Yeah. तुम्हारा घर कहाँ है? किस एरिया में? Exactly किस तरफ? Almost हम coastal town के exterior में हैं. यहाँ से थोड़ी दूर है. लगभग 20 किलोमीटर होगा. तो वो मिनी बीच, मिनी आइलैंड, मिनी आइलैंड एरिया में ना? Yeah, exactly. I always wanted to go there. You should take me there sometime. किस कॉलेज से हो? I'm studying in Krishna Engineering College, second year, IT. तुम? ARM Art and Science, Mass Media first year. Oh, that's nice. Just one second. So, Varun, I will drop you somewhere. Yeah. Yeah. Sure. Come. अरे वो तो बस कैजुअली बात थी. फ्रॉड कहीं का. माया, टाइम बहुत हो गया. हाँ हाँ, चलो चलते हैं. चलो. ए संभल कर. बाय मॉम. आइए ना, आइए ना आंटी. आइए ना. नहीं, तुम लोग जाओ. बाय. माँ और पापा फर्स्ट टाइम इसी बीच पर मिले थे. दोनों के लिए ये बीच बहुत स्पेशल है. आफ्टर मैरिज यहीं पर सेटल हो गया. हमेशा की तरह पापा एक बार स्विम करने गए थे. उसके बाद वो वापस नहीं आए. बॉडी भी नहीं मिली. लेकिन मेरी माँ मानती है कि वो अभी भी जिंदा है और एक दिन वो जरूर वापस आएंगे. उसी दिन इस पानी में पैर रखूंगी इसी जिद पर अड़ी हैं. हमने उन्हें कई बार समझाया अगर आज मेरे पापा जिंदा होते तो. ए छोड़ ना यार, सब ठीक हो जाएगा भाई. तू टेंशन मत ले, हम सब तेरे साथ हैं. तो अब चले हम लोग. चल चल. शाहरुख मुझे ड्रॉप कर देगा. ठीक है, छोड़ दूंगा. कार्तिक. हाय वरुण, आओ बेटा बैठो. कैसे हो? हाँ ठीक हूँ डॉक्टर. हे hey, मैं यहाँ ना तो डॉक्टर हूँ ना ही मेरा क्लिनिक है. तुम मेरे बेटे के फ्रेंड हो तो मुझे अंकल बुला सकते हो.
कार्तिक 10 मिनट में आने वाला है, सो आई विल वेट हियर। प्लीज वेट। क्या पियोगे, समथिंग हॉट और कोल्ड? नहीं अंकल, मैं अभी खाना खा के आया हूँ, लेटर। देन तुम्हारा इवेंट कैसा रहा? सच में बहुत खुश हूँ अंकल। Nice. ये सोचकर मैं बहुत ही कंफ्यूज था, अब जाके नॉर्मल हुआ हूँ। दैट्स गुड। सो बताओ। आपके जैसा पापा पाकर कार्तिक बहुत भाग्यशाली है अंकल। इट्स नॉट ट्रू, इट्स एक्चुअली द अदर वे अराउंड। नाउ दैट यू नो माय सन इज गे, आई कैन शेयर फ्यू थिंग्स विद यू। हाँ बताइए ना अंकल। मुझे भी इस LGBT के बारे में जानकारी नहीं थी, मैं बस एक साइकेट्रिस्ट ही था। मेरा बेटा गे है ये जानने के बाद ही मुझे इसकी डीप नॉलेज मिली। ठीक ऐसे ही एक बार कार्तिक मेरे पास आया और मुझे अपने बारे में बताया। LGBT क्या है, वो गे है ये उसने कैसे रियलाइज़ किया, सेक्सुअलिटी इज़ नॉट बाई चॉइस के नाम पर उसने क्लास ले डाली। उसी वजह से आज मैं एक अच्छा बाप और अच्छा साइकेट्रिस्ट हूँ। एक्चुअली आई एम लकी टू हैव हिम एज माई सन। हाय वरुण। अरे लो, आने में थोड़ा लेट हो गया। माँ दिस इज वरुण, मैंने बताया था ना। हाय आंटी। अच्छा वरुण, मुझे थोड़ा बाहर काम है, मैं चलता हूँ। ए चाबी दो। ये लो पापा। वो जगह तो काफी दूर है वरुण, वहाँ अकेले कैसे रहते हो? मेरी माँ स्कूल में प्रिंसिपल है आंटी, स्कूल वहीं पास में ही पड़ता है, और पापा का वो फेवरेट हाउस है, इसलिए पापा के गुजर जाने के बाद वहाँ से हमें शिफ्ट करने का मन ही नहीं किया। वी जस्ट लव द प्लेस आंटी, सो हमें आदत हो गई है। ओ, तुम घर में अकेले हो वरुण? हाँ आंटी, मेरा एक कजिन है, वो 9th क्लास में पढ़ता है, उसकी माँ नहीं है इसलिए वो बचपन से हमारे साथ में ही रह रहा है। मेरी माँ और उसके पापा ट्विन्स हैं, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में है, इसलिए मेरी माँ उसे अपना बेटा मानती है। ओ। खाना कैसा लगा वरुण? अच्छा तो लगा ना? बहुत अच्छा है आंटी। तुम सच भी बता सकते हो वरुण की खराब है, माँ बुरा नहीं मानेगी। ये तो ऐसा ही है, जब देखो मेरे खाने में कमी निकालता रहता है। सच ही तो कह रहा हूँ माँ, पता नहीं कब अच्छा खाना बनाना सीखोगी। बहुत मुश्किल है, क्योंकि तेरे साथ जो लड़का रहेगा वो अपनी किस्मत को कोसेगा। मैं अपने बॉयफ्रेंड को अच्छे से खाना बनाना सिखा दूंगा, यू डोंट वरी माँ। मैं भी देखती हूँ। देख लेना। अरे वरुण तुम थोड़ा और लो ना, लो। नहीं नहीं बस आंटी। Really blessed to have a mother like her. पर शुरुआत काफी होमोफोबिक थी, बाद में मैंने सब समझाया। I'm really glad that she understood. सच कहूं तो मुझे तुमसे जलन हो रही है कार्तिक, तुम्हारे पेरेंट्स की तरह हर कोई समझ जाए तो कितना अच्छा होगा। By the way, it's not a big deal. तुम्हारी माँ भी जरूर समझ जाएगी, उसके लिए तुम्हें भी होमवर्क करना होगा। वो सब तो मैं कर लूंगा, बट इतने ओपनली मैं गे हूं ये कैसे बोल पाऊंगा? Scared when I think about it. पता है यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर हर गे को सिर्फ सेक्स की नजर से ही देखते हैं। गेज आर हाईली क्रिएटिव, टैलेंटेड, स्टाइलिश, ये सब उनकी आंखों को नहीं दिखता। आई एम गे, आई एम द क्लास टॉपर, कॉलेज क्रिकेट टीम का कैप्टन हूँ, आई एम अ पीयर काउंसलर, नेशनल चेस प्लेयर। ये मत समझना कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ। ऑल आई एम सेइंग इज
I'm K, doing great, and I'm proud of myself. मेरी सेक्सुअली मेरे लिए कभी प्रॉब्लम नहीं होगी. All that matters to me is that I'm looking a quality life. Great, Karthik. I'm really proud of you. Come on, I'm just like you. But I admit, this is a homophobic society. बहुत से स्ट्रेट बॉयज क्या सोचते हैं कि जो गेज होते हैं वो हमें कुछ कर देंगे. सिंपल सी मेरी बात समझना. अभी स्ट्रेट कम्युनिटी के लोग हैं, उसमें कई तरह के लोग रहते हैं. कुछ लड़के क्या करते हैं, आती जाती लड़कियों को छेड़ते हैं. कुछ लोग लड़कियों को देखकर सेक्स करने की बात सोचते हैं. कुछ लड़के एक ही लड़की को सीरियसली प्यार करके शादी करते हैं. और कुछ लोग जो होते हैं वो बिल्कुल सिंगल रहते हैं. उसी तरह ये गे कम्युनिटी भी है. कई तरह के लोग हैं दुनिया में. कुछ लोग सब लड़कों को लाइन मारते हैं. कुछ लड़के सब लड़कों को देखकर उससे सेक्स करने की सोचते हैं, उसी को जिंदगी समझते हैं. कुछ लोग एक ही लड़के से सीरियस प्यार करके उसी से रिलेशनशिप रखते हैं. और कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो सिंगल रहते हैं. अब वो चाहे स्ट्रेट कम्युनिटी हो या LGBT कम्युनिटी हो, हर जगह अच्छे लोग भी रहते हैं और खराब लोग भी रहते हैं. इनमें से बड़ी बात क्या है जानते हो? हम जैसे लड़कों को घर में फोर्स करके, जबरदस्ती शादी कराकर, हमारी लाइफ के साथ साथ उस लड़की की भी जिंदगी बर्बाद करने वाले ना जाने कितने पेरेंट्स हैं, पता है? जस्ट इमेजिन, एक स्ट्रेट लड़के को फोर्स करके उसकी शादी किसी दूसरे लड़के से करा दो तो उसे कैसा लगेगा. ऐसे ही होता है जब गे रियलाइज हो जाने के बाद एक लड़की की शादी करवाते हैं. अगर तुम सोसाइटी के बारे में सोचोगे तो तुम जी नहीं पाओगे. जैसे हो वैसे ही रहो. सच कह रहे हो कार्तिक, मुझे तुमसे बात करने के बाद सब कुछ समझ आ रहा है. अगर तुम अपने आप को गे एक्सेप्ट करते हो तो पहले अपने फ्रेंड्स को बोलो, उसके बाद अपनी फैमिली से बात करो. तुम्हारे फ्रेंड्स एंड फैमिली ही सोसाइटी है. अगर तुम्हारे फ्रेंड्स और फैमिली ने तुम्हें अपना लिया तो समझो सोसाइटी ने तुम्हें अपना लिया. इज दैट सिंपल एज दैट. मैंने भी ऐसे ही किया. टुडे आई एम ओपन टू एवरीवन. आज मैं बहुत खुश हूं. अगर तुम अपने आप को गे एक्सेप्ट करते हो तो पहले अपने फ्रेंड्स को बोलो, उसके बाद अपनी फैमिली से बात करो. तुम्हारे फ्रेंड्स और फैमिली ही सोसाइटी है. अगर तुम्हारे फ्रेंड्स और फैमिली ने तुम्हें अपना लिया तो समझो सोसाइटी ने तुम्हें अपना लिया. इज दैट सिंपल एज दैट. तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कुछ नहीं माया, तुमसे कुछ बात करनी थी. लगता है तुझे प्यार हो गया है. कौन है वो लड़की? क्यों, तू भी औरों की तरह मुझसे प्यार करता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है. तुम भी ना. फिर यहाँ क्यों बुलाया? तुम जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ. तेरा प्रॉब्लम क्या है? अभी तो आए हैं ना. कुछ तो बात है, तू मुझे बताना नहीं चाहता? नहीं यार, मैं बाद में बताता हूँ. भाड़ में जा. आकाश, I'm gay. हाँ बोलो. मैंने गाना बंद कर दिया. अभी जो बोला वो सुना नहीं क्या? नहीं यार, अब बोलना. कुछ नहीं यार, यहाँ पर शूटिंग चल रही है. शूटिंग? तुझे शूटिंग बहुत पसंद है. कहाँ पे? चलना, चलकर देखते हैं. आजा. हे कार्तिक. हाय वरुण, बोलो. आज अपने दोस्तों को बताने की कोशिश की. बट आई डोंट नो, आई मिस्ड अप. आई कुडंट टेल देम. हे रिलैक्स यार, इट्स ऑल इन द गेम. यू प्रिपेयर योर माइंड, डोंट वरी. मेरे कल ही एग्जाम खत्म हुए हैं, अब सिर्फ हॉलीडेज. तुम्हारे एग्जाम खत्म हो गए? कल मेरा लास्ट एग्जाम है. ओह सुपर यार, तो फिर कल बीच पर हम फोटोशूट करें क्या?
कितना अच्छा लग रहा है ना। इतनी शांत जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी। इट्स मैजिकल यार। हाँ कार्तिक, मेरी माँ भी यही कहती है। हेलो। हाँ माँ, एक घंटे में आ जाएंगे। हाँ माँ, वरुण भी साथ में है। वन सेकेंड, माँ है। हाय आंटी। हाँ अच्छा हूँ। इस संडे? या श्योर आंटी। ओके आंटी, पक्का आंटी। बाय आंटी। अब इंतजार नहीं होता कार्तिक, मैं अपनी माँ को बताना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी ओपन लाइक यू, बट कैसे बताऊँ समझ नहीं आता। तुम और आंटी मेरी हेल्प करोगे? अरे पक्का, यू डोंट वरी, आई ट्राई फॉर यू। ठीक है, माँ इंतजार कर रही होगी, चलते हैं। चलो। अरे यार वरुण, हम यहाँ आधे घंटे से वेट कर रहे हैं, तू कहाँ है? सॉरी माया, मुझे हल्का सा फीवर है। यू गाइस कैरी ऑन, कल मिलते हैं। डॉक्टर को दिखाया क्या? हाँ वहीं जा रहा हूँ। आई विल गो, डोंट वरी। ओके, मिस यू यार, टेक केयर, बाय। क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहा? फीवर है। ए झूठ बोल रहा है, कल तक तो बिल्कुल ठीक था। अब वो पहले जैसा नहीं रहा, वो हम लोगों से कुछ ना कुछ छिपा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा सोचो मत, चलो कैंटीन चलते हैं। ओके चलो। आप मेरी माँ से बात करिए ना आंटी। मैं समझ सकती हूँ वरुण, लेकिन इस बारे में मैं तुम्हारी माँ से कैसे बात करूँ? तुम्हें ही बात करनी होगी, तभी वो समझेंगी। माँ आप जाकर बात करो, तभी बात बनेगी माँ, प्लीज माँ। ठीक है, तुम दोनों मुझे फोर्स कर रहे हो तो बात कर लूंगी। आप तो खुश हो ना? थैंक्स आंटी। ओके कार्तिक, मैं चलता हूँ। बाय आंटी। चाय तो पीकर जाओ। कोई बात नहीं आंटी, कल याद से आकर बात कर लीजिएगा आंटी। माँ मैं इसे ड्रॉप करके आता हूँ। सब मुझ पर छोड़ दो, डोंट वरी। माँ आपसे मिलने कोई आंटी आई है, हॉल में बैठी है। प्लेट लगा दूं? हाँ। खा लो पहले, खाकर पढ़ाई करो। जी कहिए। मैं वरुण के फ्रेंड कार्तिक की माँ हूँ, इधर एक काम से आई थी तो सोचा कि आपसे मिलती चलूं। सॉरी आप बुरा मत मानिएगा, पर वरुण के फ्रेंड्स और उनकी फैमिलीज को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, बट कार्तिक नाम उसके मुंह से पहले कभी नहीं सुना है, सो सॉरी, आई रियली हैव नो क्लू। वरुण और कार्तिक रिसेंट ही फ्रेंड बने हैं, सो शायद वरुण बताना भूल गया हो। नो चांस, उसने बताया होगा पर मैं ही शायद भूल गई। वो मुझसे अपनी सब बातें शेयर करता है, इनफैक्ट वो मुझे बिना बताए कुछ करता ही नहीं। You know, though he's an adult, he's not like other boys. He's my son, and I think I know him better. Right, but Varun के बारे में कुछ बातें हैं जो आप नहीं जानती, उसी के बारे में बात करने आई हूँ। अच्छा, Varun के बारे में मैं नहीं जानती, क्या कहना चाहती हैं आप? Thank you.
फ्यूचर आपके हाथ में है। एक्सक्यूज मी, एक मिनट रुकिए। मुझे लगता है कि आप गलत घर में आ गए हैं। यहाँ ऐसा कोई इंसान नहीं रहता है। मुझे लगता है आप मेरे बेटे से कभी मिली ही नहीं है। शायद। हाय आंटी। हाय, आओ वरुण, बड़ी लंबी उम्र है, तुम्हारी ही बात चल रही थी। हाँ ये लीजिए, ये मेरे हस्बैंड का कार्ड है, इसमें क्लिनिक का एड्रेस है और घर का एड्रेस भी है, आप कभी भी आ सकते हो। इस बारे में आप उनसे बात करोगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो मैं चलती हूँ। वरुण बेटा, मुझे थोड़ा बाहर तक छोड़ दोगे? हाँ आइए ना आंटी। चलती हूँ। सब ओके है ना आंटी? तुम्हारी माँ से बात हो गई है, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। चलो। छूना मत मुझे। कौन थी वो औरत? तुम्हारा बेटा ऐसा है, तुम्हारा बेटा वैसा है, मुझे तुम्हारा इंट्रोडक्शन दे रही थी वो। उसने जो कुछ भी कहा मुझे उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। नहीं माँ, मैं आपसे। प्लीज डोंट टेल मी दैट यू आर अ गे। माँ, माँ। उन्होंने जो बोला वो सच है माँ। I'm okay. इतने सालों से तुझे पाला पोसा बड़ा किया, घिन आ रही है मुझे। माँ ऐसा मत बोलो। माँ कुछ मत बोलो प्लीज, चले जाओ यहां से। मां मेरी भी बात सुन लो। मां मां तुम मेरे वरुण नहीं हो। माय सन इज गे, नो वे। मां मुझे समझने की कोशिश करो। आई डोंट चूज टू बी गे, इट्स माय सेक्सुअलिटी। मां मुझे समझने की कोशिश करो। मां तुम मुझे समझाओगे? मैं अनपढ़ नहीं हूं, तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो। माँ ऐसा मत बोलो। माँ प्लीज, माँ प्लीज, माँ मारो, माँ मारो। माँ प्लीज, माँ माँ प्लीज। माँ मेरा वरुण नाम का एक बेटा था, उसे के बोलने से तो अच्छा है कि मैं वो मर चुका है ऐसा बोलू। माँ प्लीज ऐसा मत बोलो। माँ प्लीज ऐसा मत बोलो। मैं टूट जाऊंगा। माँ प्लीज ऐसा मत बोलो। तुम जाओ यहाँ से। माँ प्लीज जाओ यहाँ से, जाओ। मत करो माँ, जाओ। प्लीज ऐसा मत करो माँ, मैं दोबारा जोड़।
दरवाजा खोलो माँ सो सॉरी माँ प्लीज दरवाजा खोलो माँ प्लीज माँ दरवाजा खोलो माँ दरवाजा खोलो माँ दरवाजा खोलो माँ प्लीज माँ प्लीज दरवाजा खोलो माँ दरवाजा खोलो माँ I'm so sorry, ma. Please, darwaza khol. Ma. 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 माँ दरवाजा खोलो माँ अरे वरुण क्या हुआ क्यों रो रहा है माँ दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हैं माँ दरवाजा खोलो ना माँ जरा यहाँ तो आओ माँ देखो वरुण को क्या हो रहा है माँ माँ यहाँ आओ ना वरुण कहीं जा रहा है माँ माँ उसे रोकिए माँ माँ वरुण कहीं जा रहा है रोकिए तुम अपने रूम में जाओ करती हूँ हाँ वरुण तुम अंदर जाओ At the end of the day, he is my patient. मुझसे एक बार भी कंसल्ट किए बिना अपनी मर्जी से जाकर आ गई अब देखा इसका नतीजा वो क्या है ना मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी इसलिए हाँ हाँ आई एम सरप्राइज
ठीक है बच्चों से हंसकर बात करो, सब ठीक हो जाएगा, बोलो, गुमसुम मत रहो, उनका ध्यान रखना हमारा फर्ज है, समझी ना? मना कर रही हूं ना तुझे? आप
आपका ध्यान नहीं था क्या? ठीक ढंग से देखना भी नहीं आता। उसका बेटा गे है। आपको यही तो बता रहा हूँ, बहुत खराब बात है और खराब बात है, उनको हटाना पड़ेगा उनको। समझो ये अच्छा नहीं है, बहुत शर्म की बात है। अरे क्या बात करता है तू, बिना मतलब बोलता है। क्या कहूँ मैं, अरे बिना मतलब की बात करता है। आप लोग चुप रहेंगे जरा प्लीज? क्या हुआ मैडम? किसी ने मुझसे बात की थी क्या? नहीं मैडम। क्या है ये सब? कितनी बार कहा है कि अपने रूम को साफ रखा करो। माँ मैंने बोला था ना आपको कि संडे को सब सही कर दूंगा। अभी ठीक करो। माँ मैं बोल तो रहा हूँ कि संडे को कर दूंगा, मुझे अभी होमवर्क खत्म करना है। माँ मैंने कहा ना अभी ठीक करो। माँ माँ मुझे अभी होमवर्क करना है। लड़ा रहे मुझसे? साफ करो, साफ करो ये सब। ठीक से रखो, ठीक से रखो मैंने कहा। वो भी उठाओ। आइंदा से जबान मत चलाना। से मत रहो प्लीज, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिलीव मी। अगर आज तुम नहीं होते तो मैं कहां जाता कार्तिक? रोड पर अनाथ की तरह खड़ा रहता। क्यों ये सब सोच रहे हो? जस्ट रिलैक्स। मैं कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाता? माँ ने मुझसे ऐसा बोला, मुझे विश्वास नहीं हुआ। मन कह रहा था समुद्र में डूब के जान दे दूं, लेकिन ऐसा करने से माँ को तकलीफ होगी, इसलिए फैसला बदल दिया। ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये सब मत सोचो। तुम सोचते हो कि तुम्हारे बिना मैं क्या खुश रह पाऊंगा? ऐसा नहीं है कार्तिक, मैं एक भी दिन अपनी मां से दूर नहीं रहा हूं। अब मेरा कोई नहीं है, बस सिर्फ एक तुम ही हो कार्तिक। आखिर तक मेरा साथ दोगे ना कार्तिक? मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, आई प्रॉमिस। लव यू वरुण, लव यू सो मच।
इतने दिनों कहाँ तुम थे, कहाँ थे मेरे यार, जीने लगा हूँ मैं तेरे आने से मेरे यार, दिल से दिल को ऐसे जोड़े रहो, सातु जन्म तुम यार साथ रहो, हर एक सांस यारे हम दोनों साथ ले रे, सागर तू है मेरा, उठती लहर सी तेरे संग हूँ यारा, तेरे बिना मैं नहीं, हर पल रहे साथ थामे हाथ मेरा, दिन रात शाम से हर पल रहे साथ थामे हाथ मेरा, जुड़ रहे तेरे मेरे दिल, इतने दिनों कहाँ तू गोपी, हे, तुम कब आए? जरा पानी लेकर आ। एक काम करो, जूस ही ले आओ। ये क्या है? क्या हालत बना रखी है तुमने? दाढ़ी भी बढ़ा रखी है। पहचान में ही नहीं आ रहे हो। हाँ तो, तुम भी तो बदल गई हो। देखो, लड़कियों की तरह पिंपल्स आ रहे हैं। छोड़ो ना, तुम्हें क्या पता मेरे स्ट्रेस के बारे में? हाँ हाँ, देश की रक्षा जो करनी होगी। वरुण कहाँ है? एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में अपने फ्रेंड के रूम पर रुका हुआ है, वो एक दो दिनों में आ जाएगा। भरोसा नहीं होता, घर से बाहर नहीं जाने देती थी। प्रोजेक्ट जरूरी था ना, इसीलिए।
गुड गुड। रोहित, वरुण को फोन करके बोलो कि मैं आया हूँ। नहीं नहीं, वो फोन लेकर नहीं गया है। वो कोई छोटा बच्चा है क्या कि मोबाइल छोड़ के गया है? वो फोन खराब हो गया था तो सर्विस सेंटर पर दिया है। ठीक है, तुम्हारे और बच्चों के लिए कुछ सामान लेकर आया हूँ, ले लो, मैं नहा कर आता हूँ। रोहित, क्या हुआ? गो गो गेट द बॉल। मुझे तो पहले ही शक था कि वरुण गे है, ये अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हमसे भी उसने छुपाया? आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड। व्हाटएवर यार, उसका हमारे अलावा और कौन है? हमें जाकर मिलना चाहिए। यार मुझे तो गे से बहुत डर लगता है। तू तो लड़की है, तुझे क्या? अगर किसी ने मुझे उसे बात करते देख लिया तो मुझे भी गे ही समझेगा ना। आई हैव टू थिंक बिफोर मीटिंग हिम। कैन यू शट द फक अप? व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग? वो हमारा फ्रेंड है यार, तू इतना गंदा कैसे सोच सकता है? मुझे बता, तू 100 साल पहले पैदा हुआ था क्या? कूल डाउन माया। क्या शाहरुख, ये जो बोल रहा है तू पागलों की तरह सुन रहा है? और मैं एक बात बोलूं, तेरे जैसे होमोफोब्स जो है ना, चांस मिलने तक ही स्ट्रेट हैं। चांस मिल जाए तो किसे पता। इनफ माया, बोले ही जा रही है। आई एम डन विद यू गाइस, आई गॉट हिज एड्रेस। तुम लोगों को नहीं आना है तो मत आओ, मेरे लिए दोस्त जरूरी है। किसी को बिना कुछ बताया आ गया ना? तू कहां पर है? एक फोन भी नहीं किया तूने। पता है तुझे कहां कहां ढूंढा? वो तुझे कैसे? तू कुछ मत बोल, मुझे सब कुछ पता है। मैं आंटी की तरह तुझे अवॉइड नहीं करूंगी यार, तू मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता था तुम सब लोग जरूर आओगे। Ha ha ha!
फिर से चल यहाँ से पकड़ना। लक्ष्मी, माँ को कुछ दिन और जिंदा रहना था ना। डोंट वरी गोपी, तुम्हें याद है ना, माँ के सामने तुम्हें लक्ष्मी पुकारना पसंद नहीं था, दीदी बुलाने को कहती थी। लेकिन तुमने लास्ट तक उनका कहना नहीं माना। जब एक ही समय पर पैदा हुए तो दीदी कैसे। हेलो, पूरे 2 मिनट पहले पैदा हुई थी। हाँ हाँ, जैसे 2 साल हो, मैं पीछे रह गया तो तुम पैदा हो गई। सच कभी मत मानना। ठीक है लक्ष्मी, मैं सोने जा रहा हूँ। वरुण के दोस्तों को फोन करके पूछो कि वो कहाँ पर है, उसे मुझे फोन करने को बोलो। यहाँ क्यों बुलाया है माया? मैं जो बोल रही हूँ उसे सुनकर गुस्सा मत होइए आंटी, वरुण अकेला है आंटी, आपको बहुत मिस करता है। हमने उसे खुश करने की बहुत कोशिश की है लेकिन वो सिर्फ आपकी ही बात करता है। सब कुछ अच्छा था ना आंटी? आप इस तरह से जिद करोगे हमने कभी सोचा नहीं था। वरुण ने आपसे मिलने की बहुत कोशिश की, आपने उसे एक भी बार मिलने को अलाउ नहीं किया तो उसे बहुत फील हुआ है। प्लीज़ आंटी, मेरी खातिर आप उसे एक बार मिल लीजिए प्लीज़। और कुछ बोलना है? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं आंटी? फिर मैं और कैसे बोलूँ माया? तुम ये सब नहीं समझोगी, कल जब शादी होने के बाद तुम्हारा कोई ऐसा बेटा होगा ना, तब मेरी फीलिंग समझोगी तुम। जानती हो मैंने कितने सपने संजोए थे, कॉलेज के बाद उसे हायर स्टडीज के लिए कनाडा भेजूंगी और उसकी स्टडीज खत्म हो जाने के बाद उसकी धूमधाम से शादी करूंगी, और वो भी उसी लड़की से जिसे वो पसंद करता हो। एक अच्छी सास बनकर रहूंगी, अपने पोते पोतियों को रोज कहानियां सुनाऊंगी, मरते दम तक वरुण के साथ ही रहूंगी, उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। कितने सपने संजोए थे मैंने पता है, सब खत्म हो गया। मेरा सपना, उसका फ्यूचर, सब कुछ खत्म कर दिया उसने। बोलो कैसे एक्सेप्ट करूं मैं उसे। इसलिए धीरे धीरे उसे भूलने की कोशिश कर रही हूं। मैं समझ सकती हूं आंटी, लेकिन इसमें वरुण की क्या गलती है? आंटी गे होना नेचुरल है, उसे हमें ही एक्सेप्ट करना होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं आंटी, मेरा एक रिलेटिव भी है, ये बहुत ही कॉमन है आंटी, इतना गुस्सा मत कीजिए।
ओ, तो अब तुम समझाओगी मुझे? बहुत कॉमन है, बाहर लोगों की बातें सुन सुनकर वो तो पागल हो ही गया है, और तुम भी ऐसी बातें कर रही हो। हाँ आंटी, तुम्हारा मतलब तुम जो गलतियां करो वो सही और हम जो भी करें वो सब गलत है ना? तुम लोग नहीं समझोगे, ये गंदगी नेचुरल है, ड्रिंकिंग स्मोकिंग की तरह ये भी नॉर्मल है तुम्हारे लिए, है ना? तुम लोग हमारी प्रॉब्लम समझ नहीं पाओगे। अरे आंटी, मैं आपको कैसे समझाऊं पता नहीं। फाइन आंटी, आप बस ये डॉक्टर की वीडियो की सीडी देख लीजिए, ये नेचुरल है, कोई हैबिट नहीं है, ये पता चल जाएगा। इनफ माया, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। शी इज वेरी स्टबर्न कार्तिक। तुमसे बात की क्या? बात की लेकिन समझने को तैयार नहीं है। हम आंटी को कितना मॉडर्न समझते थे, लेकिन आज पता चला शी इज सो क्लोज माइंडेड। इतनी पढ़ी लिखी है फिर भी इतनी इग्नोरेंट कैसे हो सकती है? सुनने को ही तैयार नहीं है, उन्हें कुछ पता नहीं है कार्तिक। अब इस बारे में बुक्स इंटरनेट से ही वो समझ सकती है ऐसे लगता है। किसी ने वरुण को ब्रेन वॉश करके गे बना दिया ऐसा उन्हें लगता है। पता नहीं अब वो कैसे समझेंगी, कौन समझाएगा उन्हें। आई एम सॉरी माया, मैंने सोचा था तुम्हारे समझाने से सब ठीक हो जाएगा। हे इट्स ओके कार्तिक, आई एम वरिड फॉर यू गाइज। तुमने जो डॉक्टर की सीडी दी थी वो भी उन्होंने नहीं ली। आंटी वरुण को एक्सेप्ट करेगी मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, मुझे विश्वास नहीं है। एनीवे तुम वरुण को ये बात मत बताना ओके? या क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं पापा। रोहित, मैं कई दिन से देख रहा हूँ क्या हुआ है तुम्हें। पापा से झूठ बोल रहे हो ना तुम? कुछ तो छुपा रहे हो। अगर पापा को बताओगे नहीं तो पापा कैसे हेल्प करेंगे? डरो मत, बताओ। पापा मुझे यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लग रहा। लक्ष्मी, वरुण कहाँ है? वरुण कहाँ है? बताया तो था तुम्हें, वो कोचिंग के लिए ट्यूशन के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ए, देखो मैंने तुम्हारे लिए वड़ा बनाया है, खाओ। अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, रोहित ने मुझे सब बता दिया है। रोहित, ए रोहित, रोहित सुनो, तुम्हें कहा था ना मैंने पापा को इस बारे में कुछ मत बताना। ए, तुम इस पे गुस्सा क्यों कर रही हो? पहले वरुण को फोन करके उसे घर आने को बोलो, मेरी खातिर कर लो प्लीज। रोहित, वरुण को फोन करो। उसे छोड़ो, चलो खाना खाते हैं। खाना छोड़ो, पहले वरुण को फोन करो। देखो तुम कुछ भी नहीं जानते हो, इस बारे में बात मत करो। बताओगी तो समझूंगा ना, बिना बताए कैसे समझूंगा, बताओ ना। इसे रखो, रखो ना। आओ आओ लक्ष्मी, आओ आओ ना, बैठो बैठो। अब बताओ बेटा नहीं है जिसे मैंने बड़ा किया, वो मुझे इस बारे में बात नहीं करनी प्लीज। उसे पैदा करना ही मेरी भूल थी,
जानती हो तुम क्या बोल रही हो? वरुण के बारे में ऐसी बातें मत करो। शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हमारी फैमिली वैल्यूज क्या है? सोसाइटी में पता है मेरी कितनी इज्जत है? शहर में सबको पता चल गया तो आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू। होता कि ऐसा बच्चा पैदा होता तो कोख में ही मार देती। hey. क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? मेरा बेटा ही मेरी दुनिया है, वही मेरा सब कुछ है बताकर तुमने दूसरी शादी तक नहीं की, अब तुम ही ऐसी बातें कर रही हो? हाँ जाओ प्लीज, अब सब खत्म हो गया है। देखो लक्ष्मी, गोपी, मेरा वरुण नाम का बेटा था वो मर चुका है, अब सिर्फ रोहित मेरा बेटा है। लक्ष्मी, वरुण जैसे लड़के को रखकर मैं बदनाम नहीं होना चाहती, इसलिए उसे घर से निकाल दिया मैंने, और मैंने बिल्कुल ठीक किया। अगर इसी बारे में बात करने आए हो तो चले जाओ प्लीज। उसने जो भी किया सही या गलत ये मैं नहीं जानता, वो चाहे जैसा भी हो तुम्हारा ही तो बेटा है। चाहे जो कुछ भी हो तुम एक माँ हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। एक औरत होके ऐसा कैसे सोच सकती हो? हाँ गोपी, ये मेरे घर की प्रॉब्लम है, इसमें कोई दखल नहीं देगा। रोहित, इन्हें कहो यहाँ से जाने के लिए। क्या बकवास कर रही हो तुम? ए, तमीज से बात करो। तुम जैसी घमंडी औरत से कौन बात करना चाहेगा? निकल जाओ। मैं तो चला ही जाऊंगा, लेकिन एक बात सुन लो, बेटा चाहे कैसा भी हो उसकी जिम्मेदारी उठाकर पालन पोषण करने वाली माँ होती है, लेकिन तुम अपना एक बच्चा तो संभाला नहीं जाता और ऊपर से सिद्धांत झाड़ रही हो। गोपी, क्या है क्या है? जिंदगी में मेरी बात को एक बार मान करके तो देखो। मैंने तुम्हारी तरह PhD नहीं की है, लेकिन अपने जिंदा बेटे के लिए मर जाने जैसा शब्द निकाल रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या कहा था? वरुण को अपनी कोख में ही मार देती ना, लेकिन वो पैदा हो गया, वो गए है ये भी पता चल गया। एक काम करते हैं, जिसने जन्म दिया जिसने उसे पाला उसको भी मार देते हैं। है उसके लिए उसकी दुनिया सिर्फ तुम हो, इसलिए तुम्हारी परवाह करता है। उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी? यही बात तुम्हें बताकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम अपने ही बेटे को समझ नहीं पाई। जीजा के मरने के बाद अपने पैरों पर खड़े होकर जीत कर इतनी बड़ी पोजीशन पे होकर हर दिन तुम्हें याद करके गर्व होता है मुझे, और अब कहती हो घर की बातों में दखल ना दे? हाँ मैं सोचता था कि मेरे बेटे को तुम्हारा प्यार मिल रहा है, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं तुम जैसी पत्थर दिल औरत के पास पला तो उसकी सोच भी तुम जैसी हो जाएगी। अब बस
तुमने हमारे लिए बहुत किया। रोहित चलो नानी के घर चलते हैं। रोहित 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 लक्ष्मी मैडम, मैं चलती हूँ मैडम। हम जिम जा रहे हैं। बाय पापा। बाय अंकल। बाय। कार्तिक और वरुण दोनों कितने खुश हैं ना। मैं भी बहुत खुश हूँ। बस वरुण की मम्मी भी हमारी तरह ये सब एक्सेप्ट कर लें तो कितना अच्छा होगा ना। Hopefully, time will heal everything. You don't worry about that. Thank you.
लक्ष्मी मैडम, अब आप और कितने दिनों तक इस चार दीवारी में अकेली पड़ी रहेंगी? सही टाइम पे नहीं खाएंगी, सोएंगी नहीं तो कैसे चलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सब पता है मैडम, मैं आपके स्कूल में नौकरानी हूँ वो ना समझकर आपको बेटी के नाते बोल रही हूँ। जिंदगी के कुछ फैसले हम नहीं ले सकते मैडम। हम लोगों को जो गलत लग रहा है ना, उसे भी हम गलत नहीं कह सकते। आपका दर्द मैं समझ सकती हूँ, लेकिन संसार में अपनी जिंदगी के बारे में फैसला लेने का अधिकार हर एक इंसान को होता है मैडम। जब लोग साथ होते हैं तब उनकी अहमियत पता नहीं होती, लेकिन ना होने पर ही उनकी कमी का एहसास होता है। मेरा भी एक बेटा था मैडम, जिसे गुजरे 20 साल हो गए। वो एक एक्सीडेंट में मेरी आंखों के सामने ही मर गया था। इतने सालों के बाद भी मैं हर रोज उसे याद करती हूँ। उसने मुझे आखिरी बार माँ कह के पुकारा था, वो मेरे कानों में अब तक गूंजता है। वरुण को जाने मत दो मैडम, अपना ध्यान रखना। खिंचाई करते रहते थे इसके, बहुत अच्छा लड़का था। खत्म हो गया इनका तो यही काम। कांस्टेबल आने जरा पता करो, उसका पर्स चेक करो, लाइसेंस देखो, एड्रेस पता करो, पर्स में अगर किसी का मोबाइल नंबर हो तो फोन करो उसे, जाओ देखो जरा। Thank you.
वरुण